दिलबर दिलबर ओ साखी साखी गाने के बाद अब किस गाने का नंबर आया है? अब किस गाने से नोरा फतेही आग लगाने को तैयार है? नोरा कैसे हॉलीवुड की मैडोना और टेलर स्विफ्ट जैसा रुतबा हासिल करने को तैयार है? और आखिर नोरा क्यों कह रही हैं कि आखिरकार उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। नोरा फतेही, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से साबित कर दिया कि दुनिया भले ही आपको कितना नीचे गिराए, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपकी जीत तो पक्की है। नोरा बहुत एम्बिशियस हैं, वैसे तो उन्होंने कई फिल्में और डांस किए हैं, लेकिन दिलबर दिलबर गाने से उन्हें उनकी असली पहचान मिली है। नोरा ने अब अपनी जर्नी में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बता दें, नोरा फतेही पेरिस में एल ओलंपिया ब्रूनो कोक्वाट्रिक्स में अपनी परफॉर्मेंस देने वाली हैं। नोरा फतेही काफी खुश हैं क्योंकि आखिरकार वो अपने मुकाम को हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं। नोरा फतेही काफी खुश हैं। दोस्तों, इस कॉन्सर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें परफॉर्म करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पेरिस में स्थित एल ओलंपिया ब्रूनो कॉन्सर्ट के लिए सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ मैडोना, द बीटल्स, जेनेट जैक्सन, पिंक फ्लॉयड जैसे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। और अब नोरा फतेही को तो यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें ये मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात जानकर उन्होंने खुद को चिकोटी काटी कि वो वाकई इस मंच पर परफॉर्म करने वाली हैं। ये उनके लिए एक सपने जैसा है। अपने करियर के इस शुरुआती चरण में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और सम्मान की बात है। बचपन से ही नोरा अपने स्कूल में परफॉर्म किया करती थी और अब उन्हें एक इंटरनेशनल स्टेज पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। नोरा फतेही की प्रस्तुति आधुनिक बॉलीवुड और अरबी शैली का फ्यूजन होगी। तो फ्रेंड्स, नोरा तो बेहद खुश है, साथ ही उनके फैंस भी फूले नहीं समा रहे हैं इस बात को जानकर। और अब नोरा के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही नोरा एक आइकॉनिक सॉन्ग चोली के पीछे क्या है का रिक्रिएशन करती हुई नजर आएंगी और इस गाने में आग लगाती हुई नजर आएगी। उन्होंने अभी तक कई गानों के रिक्रिएशन से अपना जादू बिखेर दिया है। उनके गाने दिलबर दिलबर को अब तक 700 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वहीं अब नोरा इंटरनेशनल दीवा बन चुकी है, तो अब उनके गाने तो पूरी दुनिया में ही धमाल मचा देंगे। बात करें चोली के पीछे गाने की, तो ये 27 साल पहले संजय दत्त स्टारर खलनायक में फिल्माया गया था, लेकिन इस गाने के लिए पूरी 42 पॉलिटिकल पार्टी ने इस गाने का विरोध किया था। गाने को लेकर बहुत बवाल भी हुआ था। गाने की सिंगर इला अरुण ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब उन्हें ये सॉन्ग ऑफर हुआ था तो वो घबराई नहीं, क्योंकि वो ऐसे बोल पहले लोकगीतों में सुन चुकी थी। लेकिन उनकी को सिंगर अलका याग्निक इस गाने के दौरान बुरी तरह घबरा गई थी। इला की माने तो उन्होंने गाने में सिर्फ आवाज दी थी, वो इसमें डांस भी करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ आवाज देने की वजह से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था। इस कारण उन्होंने माधुरी के साथ स्क्रीन शेयर करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में उनकी जगह आई नीना गुप्ता और ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया था। तो दोस्तों, अब तो दौर बदल चुका है और अब एक बार फिर से इस गाने के रिक्रिएशन में फैंस नोरा को थिरकता हुआ देखना चाहते हैं और फैंस इसके लिए बेहद एक्साइटेड हैं। आप इस गाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।